ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनका स्वागत करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ आपसी बातचीत के अलावा सम्राट अकिहितो और राजनेताओं के साथ साथ व्यापारियों तथा विद्यार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में टोक्यो में प्रतिनिधि स्तरीय बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद है। श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों की वैश्विक शांति की दिशा में एक दूसरे के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं।